तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। और जब हम बात कर रहे हैं मोदी 3.0 के 100 दिनों की, कैसे विकसित भारत की राह जो है उस पर भारत और ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आता है, इसमें योगदान है महिलाओं का भी, जिसके बारे में लगातार आपको हम बता रहे हैं किस तरीके से अलग अलग निर्णय जो है महिला हितों में लिए गए हैं। इस पर चर्चा के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ी हैं। डॉक्टर सुषमा यादव हमारे साथ जुड़ी हैं, आप प्रोवीसी हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से, और अदिति टंडन जी हमारे साथ जुड़ी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले डॉक्टर सुषमा आपके पास मैं आना चाहूँगा। जब महिलाओं की हम बात करते हैं, अब से एक दशक पहले स्थिति जो है वो हम सब जानते हैं किस तरीके की थी, लेकिन आज के समय में कहीं ना कहीं एक दर्जा जो है समाज ने भी स्वीकार किया है, महिलाओं का एक विश्वास बढ़ा है, और बीते 100 दिनों की खासतौर से बात की जाए तो इसमें भी कई अहम निर्णय सरकार ने लिए हैं जो कि सीधे तौर पर बता रहे हैं कि कैसे जो विकास का फोकस है उसमें कहीं ना कहीं महिलाएं जो हैं उन पर भी ध्यान है। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही याद दिलाना चाहती हूँ आपके माध्यम से अपने दर्शकों को भी और अपने साथियों को भी कि पहली बार मोदी जी ने महिलाओं के लिए नहीं, महिलाओं द्वारा विकास की बात की है। यानी अब वह केवल स्पेक्टेटर नहीं है, मुख दर्शक नहीं है, और सिर्फ लाभान्वित होने वाली नहीं है, बल्कि उस लाभ को वास्तव में भागीदार बनकर लेने वाली है। तो यह एक बहुत बड़ी पहल और बहुत बड़ा परिवर्तन है, और उसको हम हर क्षेत्र में देखते हैं, चाहे हर व्यक्ति के लिए घर की बात हो। देखिए, हर महिला का सपना होता है एक घर हो, वो घर मेरे नाम का हो तो क्या कहना, क्योंकि यही कहा जाता था कि महिला के पास कोई घर नहीं होता, एक माता पिता का होता है, एक पति का होता है, लेकिन उसके नाम का घर और उस पर स्टाम्प ड्यूटी में जब उसको रिबेट मिलने लगी तो सभी उनके नाम से घर लिए। तो ये एक बहुत बड़ा काम जो इस सरकार ने किया, लेकिन वो अभी नहीं, वो पहले किया। अब की अगर मैं बात करूं, इनको जोड़कर चलूंगी, अब की अगर मैं बात करूं तो उसी विचार को लेते हुए कि महिला सशक्तिकरण मोदी जी का एक स्वप्न भी है और मोदी जी का एक आश्वासन भी है, एक वादा भी है, उस रूप में 10 करोड़ महिलाएं इन 100 दिनों में कहते हैं संगठित कर 90 लाख से अधिक, आप ही ने बताया, स्वयं सहायता समूह बनाए, और मात्र स्वयं सहायता समूह नहीं बनाए, उसमें रिवॉल्विंग फंड रखा, विच इज ए ह्यूज फंड फॉर विमेन, 2500 करोड़ रुपए का फंड रखा है। और मुझे बहुत अच्छा लगा जो लखपति दीदी का कंसेप्ट उन्होंने दिया है, एक समय होता था वही फिर से के सपना होता था मेरे पास भी 1 लाख रुपए हो, और ठीक है अब हम जैसों को उतना नहीं लगता, लेकिन अब भी बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है हमारे देश में भी दुनिया में भी जहां महिला चाहती है कि उसके पास इतना पैसा हो। जी, यानी महिलाओं के जो सपने हैं वो साकार हो रहे हैं। जी बिल्कुल हो रहे हैं। और तीसरी बात भी कहना चाहती हूँ, ये जो पर्यटन दीदी का कंसेप्ट लाए हैं और एक जो ये शी बॉक्स का शुभारंभ है, तो एक तरफ हम अपनी कल्चर से संस्कृति से जुड़ रहे हैं, एक तरफ टेक्नोलॉजी का लाभ भी महिलाओं तक पहुंच रहा है, उससे जोड़ा जा रहा है, और जितने हमने अभी विधि के क्षेत्र में परिवर्तन किए हैं, जो साक्ष्य अधिनियम भी बदले हैं, वो चाहे सिर्फ महिला के लिए ही हुए, लेकिन उनमें जो परिवर्तन आए हैं वो महिलाओं को अवश्य लाभान्वित कर रहे हैं। बिल्कुल, और ना सिर्फ महिलाओं तक इसके जो हम कह सकते हैं लाभ हैं वो सीमित हैं, दूरगामी परिणाम जो हैं वो लगातार निकलते हुए हमें नजर आएंगे, कैसे सामाजिक रूप में एक बड़ा बदलाव जो है वो आता है जो महिलाओं का विकास किया जाता है। अदिति जी, ना सिर्फ सामाजिक तौर पर अगर देखा जाए, आर्थिक दृष्टि से देखा जाए, किस तरीके से आर्थिक सशक्तिकरण जो है वो महिलाओं का हो रहा है? देखिए, आर्थिक सशक्तिकरण की जहाँ तक बात है तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि महिलाओं में एंटरप्राइज की कभी कमी नहीं थी। भारतीय इतिहास उठा के देखेंगे, भारतीय कल्चर को देखेंगे तो हम देखेंगे कि जो वृक्षों को बचाने की पहली मुहिम थी वो भी एक महिला ने शुरू की। बहुत पहले जो कोऑपरेटिव मूवमेंट गुजरात की थी, अमूल, वो भी, लिज्जत पापड़, वो भी। तो एंटरप्राइज की कमी नहीं थी, कमी इस बात की थी कि क्या उनकी हैंड होल्डिंग और फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सकती है। तो सबसे पहला जो मुझे लगता है एक बुनियादी बदलाव महिलाओं की जिंदगी में आया है इन पिछले 10 सालों में, मैं देख रही हूँ, वो जनधन अकाउंट का जो स्कीम है उसके माध्यम से महिलाओं का बैंकों से जो जुड़ाव हुआ है। क्योंकि जब तक आपका बैंक अकाउंट नहीं होगा, सुषमा जी आप दोनों को यहाँ रोकना चाहूंगा। दरअसल एक खास तौर से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमने देखा था आज कटरा में थे और इस दौरान रोड शो भी उन्होंने किया, उसकी तस्वीरें जो हैं अपने दर्शकों को एक बार हम यहाँ दिखा देते हैं किस तरीके से भारी संख्या में जो लोग है वो यहाँ एकत्रित हुए थे।
कटरा में हुए रोड शो की तस्वीरें आपने देखी, किस तरीके से सड़क के दोनों छोर की बात की जाए, जिसको जहां जगह मिली यानी बालकनी की, घर की छतों पे आपने देखा किस तरीके से एक जन सैलाब जो है इस दौरान वो देखने को यहां मिला प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए, उनकी तस्वीर को अपने मोबाइल्स में कैद करने के लिए। और ये महज लोकप्रियता नहीं है, ये भरोसा है, ये विश्वास है, और इसी की बानगी यहाँ नजर आई इस कटरा के रोड शो में। और खासतौर से जब भरोसे और आत्मविश्वास की हम बात करते हैं, विश्वास को जब हम तरजीह देते हैं, तो कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं, अब हम बात कर रहे थे किस तरीके से अपने आप को काफ़ी सुरक्षित महसूस करती हैं, और सरकार की तरफ से पिछले 100 दिनों की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं महिला केंद्रित विकास जो है उसको लेकर कई निर्णय लिए गए हैं, उस पर चर्चा हम कर रहे हैं। लगातार दो खास मेहमान जो हैं वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर सुषमा और अदिति जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर सुषमा, अगर खासतौर से हम बात करते हैं महिला सुरक्षा को लेकर, ना सिर्फ सामाजिक आर्थिक हमने बात की थी, लेकिन महिला सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा है जो कहीं ना कहीं सिर्फ मुद्दा बनकर रह जाता था, लेकिन महिलाओं की बात की जाए, बालिकाओं की बात की जाए, हर शायद एक इच्छा ये होती थी कि इस पर क्या हमें मजबूती से कुछ मिल सकता है, लेकिन अब वो भरोसा, वो विश्वास जो है वो शायद नजर आता है सरकार पर। जी बिल्कुल आता है, और अभी जो आपने बहुत सारे बाइट्स हमको सुनवाए हैं इसी कार्यक्रम में जी, और वो महिलाएं हर वर्ग की महिलाएं थी, जो वो भी थी जो कहीं ऐसी जगह काम कर रही हैं हैट लगाकर, इसका मतलब कोई मीनियल काम भी कर रही है, और वो भी है जो मध्यम वर्गीय भी हैं जी, और लेकिन सबने सुरक्षा की बात सबसे पहले की है। हमें अब इतना सुरक्षित लगता है, और ये बात सबसे पहले हमने गुजरात में सुनी थी। मैं यहाँ ये बात कहना चाहूंगी कि हम जब अहमदाबाद से राजकोट जा रहे थे और रात का समय, मैंने टैक्सी वाले को कहा आपको डर नहीं लग रहा जी, आप हमें इस समय लेकर जा रहे हो 11:30-12 बजे, बोले मैं गुजरात है ये, यहाँ आप पूरा जेवर पहनकर भी रात को निकल जाएंगे तो कोई डर नहीं है। ये सुरक्षा दी थी वहां प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुख्यमंत्री के रूप में, और अब राष्ट्र भर में मिले तो इससे सुंदर बात नहीं हो सकती, और ये फीलिंग आ रही है जो हम देख रहे हैं जी। और जिस तरह से पुलिस का वो हॉटलाइंस बनी है सब जगह पर जहां आप उनको कॉल कर सकते हो, और शी बॉक्स अभी जो इन 100 दिनों में उन्होंने जारी किया है, और विशेष तौर पर जो यौन उत्पीड़न का भय महिलाओं में रहता था वह उससे समाप्त तो हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि सोच यही है कि जहाँ पर महिलाएं काम करने जाती हैं वहाँ सुरक्षित अपने आप को महसूस कर सकें। और अदिति जी, जो सुरक्षा की भावना तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ एक भावना जो महिलाओं के अंदर जागृत हुई जो पहले से थी, आत्मनिर्भरता की, अपने आप को आगे बढ़ाने की, अपने परिवार को आगे लेकर चलने की, और देश को और ज़्यादा सशक्त करने की, उसमें किस तरह का बदलाव आप देख रही हैं, और खासतौर से पिछले 100 दिन में जो कहा गया वो करके दिखाया है। जी, मैं जैसा पहले बोल रही थी मेरी बात अधूरी रह गई थी, मैं उस वक्त भी यही कह रही थी कि एंटरप्राइज की कमी महिलाओं में नहीं थी, पर हैंड होल्डिंग की उन्हें जरूरत थी। तो हम फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो बहुत इम्पॉर्टेंट और अहम मुद्दा रहता है महिला सशक्तिकरण का, अगर कोई मैं सबसे इम्पॉर्टेंट स्तंभ मानती हूँ तो वो फाइनेंशियल इंक्लूजन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। अगर महिला के हाथ में पैसा है तो वो सुरक्षित भी महसूस करेगी और साइकोलॉजिकली अपने परिवार को मैक्सिमम देने की पोजीशन में भी रहेगी। तो सरकार के जो मुद्रा लोन है, हमने देखा कि इन 100 दिनों में एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये हुई है कि 10 लाख से 20 लाख कर दिया जाए। बिल्कुल, और ये क्यों हुई है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये है कि करीब 70% जो मुद्रा लोन्स अभी तक डिस्पर्स किए गए हैं, करीब 46 करोड़ वर्थ ऑफ मुद्रा लोन्स डिस्पर्स किए गए हैं, 2015 से ये स्कीम चल रही है, उसमें से 70% महिलाओं ने अवेल किए हैं। और सिमिलरली जो स्टार्टअप इंडिया स्कीम है, जो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पाइनल कॉर्ड जिसको आप कह सकते हैं जिस स्मॉल बिजनेस की, जिसमें बहुत सारी महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, उसमें आप हैरान होंगे जान के कि 84% लोन्स जो हैं, करीब 2 लाख लोन्स दिए गए हैं, और उसमें से 1.77 लाख लोन्स महिलाओं ने लिए हैं। जी, एक बड़ा आंकड़ा है, तौर पर बहुत बड़ा आंकड़ा है, और ये यही दर्शाता है कि महिलाओं में कितना हंगर है कि वो फाइनेंसिस को अवेल करके कुछ अपना शुरू करें, क्योंकि महिला तो बायोलॉजिकली ही बहुत बड़ी उद्यमी होती है। एक घर को चलाना, एक संस्था को चलाना महिला से बेहतर कोई नहीं जानता। जो जरूरत थी उनको वो इस फाइनेंशियल सपोर्ट की थी जो अब इन दिनों में आ रहा है, और बिल्कुल, जो और सरकार की तरफ से समझा गया, और उसी का परिणाम है कि हम लगातार देख रहे हैं कैसे जो महिला सशक्तिकरण है उसको लगातार बढ़ावा दिया गया, उसको बल मिला है, और वही भरोसा और विश्वास कायम है जिस वजह से महिलाएं खुद को सुरक्षित मान रही हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने बीते 100 दिनों के दौरान कैसे मोदी 3.0 के 100 दिनों में विकसित भारत की राह जो है वो और मजबूत होती नजर आ रही है, और इसमें